तो ये गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे, तो पहले अभी मैं निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। 8 बजे रहे हैं, फिर 9:50 पे पहली क्लास है, ठीक है। और भाई एक बहुत ज़्यादा बुरी बात हुई, मेरी जो बड़ी वाली बोतल थी ना, अगर तुम्हें याद होगी भाई, वो टूट गई। अब मेरे को 3 बोतलें लेके जानी पड़ रही है बैग में। चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। इसके बाद भाई मैं तुमसे मंदिर में मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई बढ़िया से दर्शन हो गए। बाकी मैं भाई, जो लोग नहीं देखते रोज़ व्लॉग, तो उनको बता दूँ फिर से, मैं मंदिर के भी अंदर से रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ गलत है, फ़ोन चलाना भी गलत है मंदिर के अंदर। तुम वहाँ पे भाई भक्ति से आए हो, भगवान की पूजा करने आए हो, अच्छे से पूजा करो, उनको याद करो और बस अपना काम करके निकलो, ठीक है। बाकी बाहर आके अगर तुम्हें कुछ रिकॉर्ड करना है, फोटो वगैरह खींचना है, वो खींचो, वो सही बात है। वो तो भाई इतने बढ़िया मंदिर आए हो तो तुम्हें लगता होगा कि भाई खींचो। वैसे मैं भी दूर से आता हूँ इस वाले में। ये अपना इसकी ना हिस्ट्री है, महाभारत के टाइम का मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी में जो है ना। बहुत लोग कहते हैं भाई मंदिर तो मंदिर है, किसी भी चल जाए, मतलब भाई अपना अपना मानना होता है। जैसे मतलब मेरे को इस वाले मंदिर में लगता है कि ज़्यादा, हाँ मतलब यहाँ पे तो हनुमान जी हैं पास में, ठीक है। बट वही है कि सबको, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हर मंदिर एक बराबर है, तो वो उसमें चल जाए भाई जो पास हो उनके, है ना। मुझे यहाँ पर आना सही लगता है, मैं यहाँ पर आता हूँ। कभी यहाँ का टाइम नहीं होता तो मैं पास वाले में भी चल जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस वाले में आ पाऊँ। चलो बाकी मंदिर जाना नहीं है, अब तुमसे कॉलेज में मिलता हूँ। कॉलेज से थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, टाइम पे मैं 2 ही जगह पहुँचता हूँ, बस जिम और मंदिर, बाकी हर जगह लेट। चलो बाय। बढ़िया, इसको वैसे पीछे बैठा दिया है क्लास में आज भाई, सब पीछे बैठे हैं हमारी क्लास में, सब पीछे बैठे हैं। और ये सब छोड़ो, ये सुनो, मनन गगन सैम तीनों क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं आज जल्दी आ गया भाई, भुगता है मैंने, मैं आगे बैठा था, मैं क्लास में बैठा था, इस वजह से। अगर मैं पीछे पास बैठा होता तो मैं ये बात करता, मेरे को भी निकाल देते, तो मैं मिलवाता हूँ उनसे अभी। चल गए, ब्लड डोनेट कर दूँ मैं। ये देखो भाई, हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है कॉलेज में। बढ़िया है ना, कुछ तो अच्छा हो रहा है कॉलेज में। इट टेक्स 15 मिनट्स टू सेव अ लाइफ। भाई कैसा लगा था भाई? अच्छा खासा ड्राइंग कर रहा है, ये दिल में चांद के अंदर पक्षी का बना रहा है। भाई मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताता हूँ इसके बाद। हम ड्राइंग बना रहे थे इसकी गलती है। एक बंदा बताओ कौन सा है, पहले एक बंदा बताओ। भाई ड्राइंग में पसंद नहीं है, वो पूरी कहानी बता दूं भाई। मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था हर क्लास में, सर ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। हमने भाई ड्राइंग बनाई, इसने बर्फ, इसने नदी निकाल दी, बर्फ नहीं बनाई भाई। मैंने बोला भाई बर्फ बनाओ, नदी निकल रही है। ये कहता है भाई बर्फ बना दी तो मैं एंचो सूरज को है। ऐसे तो नॉन सेंस बात है भाई, सूरज में बर्फ निकल जाती है। मैं एंचो, मैं कहा सब कोई नहीं भाई, सूरज को चांद कर देता हूँ। मैं कहा भाई सूरज को चांद कर देता हूँ, मैंने चांद कर दिया। फिर कह रहा भाई चिड़िया हटाओ, साले हाथी तो तू है, हाथी बनाया निकाल दिए, हाथी के कान नहीं होता भाई। एक जनरल बात है, अगर मैं पीछे तो मैं भी निकल जाता क्लास से, पक्की बात ही नहीं निकलता भाई। मैं नहीं करती, मैं आगे बैठा था, मैं जल्दी आ गया, गलती होगी कुछ समझ नहीं आया क्लास में, बढ़िया मैं घर पर पढ़ लेता। अटेंडेंस लगती, मगर अटेंडेंस के लिए जाता भाई। ब्लड दे दो, बर्थडे भी है तुम्हारा, भला कर दो लोगों का। तो मैंने खून दे तो कॉलेज लाइफ से आ गई, ब्लड डोनेट कर दे। ये बेस स्टैम्प ब्लड हो जाते हैं, फ्री में नहीं देते किसी को, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मेरे को तो इंट्रोड्यूस करा दे भाई, इंट्रोड्यूस से वो जानते नहीं है लोग। ये देख लो भाई, प्यार करो 200 पे, इसको 200 पे पार्टी लगी है। तो ये होता पहले 100 पे दे दी, 200 पे नहीं दे रहा मेरे को पार्टी। ये बात था कि ये जो है अपना ब्लड का भाई, तू डोनेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा ब्लड है एबी नेगेटिव, और एबी नेगेटिव इज नॉट अ डोनर, ओ नेगेटिव इज अ डोनर ब्लड। तो जिसका भी ओ नेगेटिव है जाओ ब्लड दो, नेशनल ब्लड डे। नहीं मतलब ये तो जो सैम ने बात बताई है बड़ी गलत लगी, सारा मैं फ्री में खून दूँ अपना, ये लोग आगे जाके बेच दे क्यों भाई?
मैं कि तू फ्री में फिर इतना देगा तो तेरी बॉडी एक दिन में बना भी लेगी। बाढ़ में जाए तो फिर भी मैं फ्री में क्यों, तू भाई बना रही है तो मैं फ्री में दे दूँ, पेशा शोर बना रही है फ्री में दे दूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तुम क्या कर रहे हो, लड़ो लड़ो मर बहन भाई। ये देखो एक और ब्लॉगर, ये भी भाई ब्लॉग बना रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसे कैमरा लेके घूमते रहता है। देख मैं यार इधर कितनी भीड़ है, पता नहीं किसने बुला दिया, मैं तो जा रहा है भाई। वो बाहर आ जाएगी भाई, इससे पहले चल लो। हाँ चलो चल रहे भाई, चल मैं चल रहा हूँ। हंसी ओए ओए यार, ओए यादवों का सपूत है तो चल अब नहीं बोल। एक हमारा सोल्जर भाई डाउन, वन मैन डाउन भाई, काबू बैठ गया उसका, नॉकआउट हो गया भाई। रिवाइव करो मैम ने बता ना, रिवाइव करो भाई, काबू को नॉकआउट हो गया, बिट हो गया भाई, बिट रेवल फील हो रहा है मेरे को। अरे भाई पता मैम ने हमें क्या बोला कि अब मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दूंगी, तुम्हें बैठना बैठो, नहीं बैठना मैं तो आ गया भाई। जाहिर सी बात है, क्यों बैठेगा बिल्कुल, अटेंडेंस नहीं रहा था सुनो बोले। सबसे पहले मैं तो निकला, ऐसा क्या सिखाएगी मुझे ऐसा है क्या कि भाई धरती कब बनी थी, धरती कैसे बनी थी, धरती गंदी कैसे बनी थी, मेरे को जानना ही नहीं। और क्या भाई तुम क्या कर रहे हो, ये ऑडिटोरियम में बैठ के यही करने तो आए हैं हम ना साले पागल। उनको लेना था भाई अश्विनी और प्रियांश को, सर खा लो पहले, तुम खा लो फिर उसको कॉल करता हूँ। नंबर ऑफ टेनियोस पुंछ रजौरी और क्या जम्मू कश्मीर एंड देन ऑफ कोर्स अनंतनाग को करना वहां पे काम। लो भाई क्लास वगैरह सब हो गया, सैम भाई बाइक चला के जा रहे हैं अकेले। बाइक किसकी है, गगन भाई की। गगन भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी बाइक चोरी हो गई है जो धक धक हो रही है भाई, ये चला रहा है पहली बार देख रहा हूँ कि इसको धक हो रही है, अपने को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वैसे गियर की साइड को मैं लगा दूंगा, एक आगे बाकी पीछे, क्या कह रहा है गियर की साइड होता है, पीछे रुक जा पीछे देख, कह रहा है गियर की साइड होता है, एक आगे एक पीछे, ये चलाएगा भाई सैम भाई ऑल द वे, सारे पीछे हुए आगे उतरेंगे। चल चल चला चला, रुक गई रुक गई, क्या बात है, बढ़िया। वंस मोर कोई नहीं होगी भाई, होगी 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 भाई, होगी चल ऐसी ऐसी ऐसी, क्या बात है भाई, तीसरी बार रोक दी, कोई नहीं आएगी आएगी, चल 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 आएगी भाई आएगी, आ रही है आई कैन फील इट, चलना आसान तो है। हाँ क्या बात है, क्या बात है क्या, लास्ट ट्राई भाई, लास्ट ट्राई ले रहा है, उसके बाद ये चलाएगा, ये बोल मैच आ रही आ रही आ रही आ रही, क्या बात है, क्या क्या बात है सैम भाई, क्या बात है। तू कह रहा था ये भातक चलाएगा, इस पे स्टार्ट नहीं हो रही है, कहीं दे के मारता, ये चलाएगा भाई अभी से देखो। तू साले दूसरे गियर में तो नहीं उठा रहा था भाई, न्यूट्रल है लोडू, हाँ अब करो, वाह क्या बात है भाई, दोनों एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बिल्कुल भाई परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट ड्राइविंग भाई, पता नहीं कौन सा गियर लगा, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है, चल गई भाई, चल गई, चला गया भाई, देखो बाइक लेके भाग गया मेरी चोर, देख रहे इसकी शक्ल, देख लो भाई क्या बात है, क्या बात है, मोड़ लिया है, यहाँ से आएगा अभी, आ गया भाई, मुझे नहीं लग रहा था आएगा, उम्मीद ही नहीं थी है? क्या बात है, क्या बात है, चला यार अपना सीख गया, क्या बात है भाई, मुबारक मुबारक।
एक दिन सीखी थी सिर्फ, है ना गगन भाई, एक दिन सिखाई थी ना तुमने, सीख गया मैं, चल तू जा रहा है। ओए सामने भी निकाल ली आ जाए, क्लच नहीं छोड़ा अभी तक सही। वो बेवकूफ बना दिया भाई, आना रैम्प सी है साला, रैम्प का फायदा उठा रहा है, चुनकिया बना दिया। वो चल गई इस बार तो चल गई, तो रुक गई। क्या बात है, चल मुझे मजा आ रहा है बाइक चलाने में। चल गई भाई, बढ़िया भाई, अंदर ही घुसाएगा मुझे लग रहा है, पेड़ के अंदर ही पेड़ कहीं देखे मारे। बोलो भाई दूसरा गियर भी लगाना भाई, ब्रेक पहले गियर पे, ब्रेक दूसरा गियर पीछे को आगे करो। मैं कहूँ साला, मेरा पहला गियर लगा हुआ, मैंने आगे कर दिया फिर से। मैं कह रहा न्यूट्रल कैसे होगी बैन की लोड़ी, बताया करो ना भाई गियर का है तुम्हारी बाइक में। फंस गया भाई, ब्रेक नहीं मारने होते भाई, हम पे बाइक नहीं है क्या करें। चलो भाई मेरे से फाइनली बाइक चल गई है, मैंने एक दो राउंड अभी और का, बाकी घर पे तो मैं आज जिम वगैरह का भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ डाल रहा हूँ, चलो ओके भाई बाय। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavish. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna... तो भाइयों मेरा वर्कआउट हो गया पूरा, और उसके अलावा मैंने खाना वगैरह भी खा लिया, नहावा भी लिया, सब हो गया, ठीक है। अब मेरे को बेसिक था कि भाई तुम्हें वर्कआउट बता दूं, तो वर्कआउट मैं पूरा बता नहीं रहा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी मैं बेसिक्स बता देता हूं कि जैसे आज मेरा शोल्डर आर्म्स था, तो शोल्डर के भी 3 एक्सरसाइज, बाइसेप के भी 3 एक्सरसाइज और ट्राइसेप के भी 3 एक्सरसाइज, ठीक है, ये बेसिक है। बाकी ये है कि सुपर सेट्स कर रहा था मैं काफ़ी सारे, बाइसेप ट्राइसेप के काफ़ी सारे सुपर सेट, ठीक है। शोल्डर के इटसेल्फ में सुपर सेट किया मैंने, वो मैं वर्कआउट नीचे लिख दूंगा, वो आप देख लेना। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने जो चेंज करी है वो ये है कि मेरी रेप रेंज जो है, मैं काफ़ी टाइम से 8 से 12 की रेप रेंज में चेंज करा था। इसका बेसिकली मतलब होता है कि तुम्हारे 8 से 12 रेप के बीच में फेलियर आए एक सेट में, ठीक है। तो मगर अब मैंने रेप रेंज थोड़ी चेंज कर दी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी 15+ रेप्स हैं, ठीक है। तो मैंने वेट थोड़ा सा कम करा, ज़्यादा कम नहीं, वेट थोड़ा कम करा, बट कोशिश पूरी है कि 15+ रेप्स आए, उसमें मस्कुलर फेलियर आए, तो उससे थोड़ा सा चेंज आएगा बॉडी में। और अभी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत नहीं है बिल्कुल भी अब इतने ज़्यादा रेप्स करने की, धीरे धीरे करके वापस बनेगी, कह सकते हैं। एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, बट मैं मस्कुलर फेलियर तक जा रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं इस चीज़ से भी मसल बिल्ड करूँगा, मैं श्योर हूँ। क्योंकि बेसिकली जब हम ड्रॉप सेट्स करते हैं तब हम मसल बिल्ड करते हैं, और ड्रॉप सेट्स का भी बेसिक क्या है कि हम फेलियर के पास्ट पुश करते हैं, और उसके मतलब रेप्स तो उसमें भी हो जाते हैं, 10 से ऊपर 12 13 से ऊपर रेप्स होते हैं, बट चल हम उससे मसल बिल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये भी अगर मस्कुलर फेलियर तक लेके जाऊंगा रैदर देन बर्न, तो भाई मैं मसल बिल्ड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी वर्कआउट के बाद। बाकी भाई इसके अलावा यार मैं जो तुम्हें सुबह बता रहा था कि सारी लाइफ अपडेट बहुत टूट गई, मगर चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें बुरी होती रहती है। बाकी मेरी किस्मत ऐसी है कि 100 चीज़ें बुरी होती है, सारी एक चीज़ अच्छी हो जाती है। तो भाई ये आ गई मेरे पास, ये मैंने ऑर्डर करी थी, ये आ गई। ये भाई काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, बट बहुत लोगों को देख के समझ में आ भी गया होगा क्या चीज़ है। जो मेरे को पर्सनली भी जानते हैं उनको तो भाई आराम से ही आ गया होगा। तो भाई वेटेड पुलअप्स और वेटेड डिप्स करने के लिए एक बेल्ट आती है ना, जिसमें वेट लगाते हैं वगैरह, तो ये वो वाली बेल्ट है। तो भाई फाइनली मतलब जो मैंने नया जिम ज्वाइन किया ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी बेल्ट थी नहीं, मेरे पिछले वाले जिम में थी, तो वहाँ पे आराम रहता था, बट यहाँ पे भाई जब से आया मैं वेटेड पुलअप ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। डंबल रख के भाई वैसा वाला नहीं होता जैसा बेल्ट लगा के, काफ़ी फर्क होता है। जब तुम दोनों करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट तुम करके देखो तुम्हें फर्क समझ में आएगा कि हाँ फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अपना अपडेट ये है कि आज जैसे ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे को कॉलेज बंद है, तो कॉलेज नहीं जाना। तो और बाकी भाई मैं अभी ना वापस से फोकस भी इस पर ला रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया था,
अपनी मतलब मेहनत वगैरह से, तो मैं वापस से ला रहा हूँ। तो अब दो दिन जो छुट्टियाँ हैं, अब इन दो दिन मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं जितने हो सके उतने घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ और ये करने वाला हूँ। बट उसके अलावा अगर मैं घूमूंगा, जैसे थर्सडे को मेरा रेस्ट डे भी है। अच्छा हाँ, मैं वर्कआउट स्प्लिट तुम्हें बता दूँ कि जैसे मंडे को हो गया अपना चेस्ट बैक, ट्यूजडे को शोल्डर आर्म्स, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को रेस्ट, उसके बाद फिर वापस से बैक, चेस्ट, शोल्डर आर्म्स और उसके बाद रेस्ट संडे को, ठीक है, और फिर मंडे से वापस। तो बेसिकली मेरा थर्सडे को जो रेस्ट डे होगा भाई, मेरे से नहीं बैठा जाता अगर इतना ज़्यादा भी, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली स्विमिंग पे चले जाऊँगा, क्योंकि उसको रेस्ट में काउंट करते, कार्डियो को रेस्ट में काउंट करेंगे। मैं सिर्फ बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, उससे रेस्ट लेना है ताकि मेरी बॉडी ढंग से रिकवर कर पाए। इस वाले वर्कआउट रूटीन में भाई मेरी इंटेंसिटी बहुत हाई है, वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करी है, छः दिन के लिए पाँच दिन जा रहा हूँ। वरना भाई मैं छः दिन जाऊँगा फिर मेरी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, फिर मेरी स्ट्रेंथ गिरेगी, ये वो होगा, फिर मैं वापस एक लूप में फंस जाऊँगा। मैं इस लूप में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था ओवर ट्रेनिंग वाले, तो ओवर ट्रेनिंग वाले लूप में मेरे को फिर से नहीं फंसना। बाकी हो सकता है मैं अभी भी ओवर ट्रेन कर रहा हूँ, बट इस वजह से मतलब जैसे मेरे हिसाब से शोल्डर आर्म्स में तो मैं परफेक्ट ट्रेन कर रहा हूँ जितना करना चाहिए, ठीक है, बट वो जो है ना अपना बैक और चेस्ट, उसमें मैं शायद से अभी भी ओवर ट्रेन कर रहा हूँ। तो उसका रूटीन मैंने इसलिए तो अभी तुम्हें बताया भी नहीं है, ताकि मैं एक बार खुद अच्छे सेट तो कर लूँ उसके बाद, ठीक है। तो और उसके अलावा इस वजह से भाई एक दो दिन थोड़े बहुत दिन, अब जब मैं ढंग से वापस पढ़ूंगा तो ब्लॉग नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक सी बात है भाई, अगर मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ और सिर्फ जिम कर रहा हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, तो तुम लोग क्या देखोगे भाई, तुम तो बोर जाओगे, तो मतलब क्या ही दिखाऊंगा मैं, क्या मतलब भाई। बेसिकली मैं तो उसको भी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जिम वाले पार्ट को ध्यान लगा के, और भाई ये अपना जो होता है पढ़ाई की लेक्चर वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, वो भी मैं टाइम लैप्स लगा के कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये तो पूरा ब्लॉग ही टाइम लैप्स हो जाएगा, ये तो पूरा दिन ही टाइम लैप्स करना पड़ जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भाई अगर थोड़े बहुत दिन तक ये होगा, मैं थोड़े बहुत दिन तक ब्लॉग नहीं करूँगा। बाकी मैं वैसे ब्लॉग क्यों ना तो अब नहीं रहा जाता, मुझे कुछ लगता है उनसे बात करना वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग करूँ, कोशिश करूँगा मैं कहीं घूमने वूमने जाऊँ तो तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है। बाकी भाई मैं तुम्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, अभी यही सजेस्ट करूँगा भाई, खुद पर मेहनत करो और खुद पे काम करो। तो मैं हजाना भाई मेरा हल्का सा काम है, तो वो मतलब मैं इसके लिए अपने ब्लॉग में बकचोदी रखता ही हूँ, ठीक है, उसके बिना भाई मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता। बट ये वाली बात भी भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को देख के भाई इंस्पायर हो जाओ और तुम भी अपने पर मेहनत करने लग जाओ, तुम भी आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश हो, तो भाई वही है, फिर पता चले कि भाई हाँ इसकी ऑडियंस ये है, अलग से पता चला, अलग से दिखनी चाहिए मेरे को भाई। वो नहीं है कि रैंडम ऑडियंस मेरे पास आ गई, मेरे को नहीं चाहिए चूती है, सॉरी भाई, सॉरी तुम्हें चूतिया बोला, बट मतलब मेरे को नहीं चाहिए ऐसे आलसी लोग, मेरे को ऑडियंस भी मेरे लिए ऐसी चाहिए जो अपने ऊपर मेहनत करना चाहती है और अपने को कुछ बनाना चाहती है, ठीक है। मेरे को अच्छी ऑडियंस चाहिए, क्वालिटी ऑडियंस चाहिए, कोई बात नहीं, उसमें चाहे साल लग जाते हैं, कोई बात नहीं भाई। बाकी भाई मैंने अभी अपना स्लीप शेड्यूल भी ठीक करने की कोशिश करी है कि भाई मैं वापस से, अभी एक तो ना ये था कि कॉलेज की टाइमिंग समझ नहीं आ रही, क्लासेस की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा था कि कब सोना है क्या करना है। तो अगर अब मेरे को हो गया कि हाँ कि मैं 11 से 7 तो हमेशा ही फ्री होता हूँ, इस टाइम पे कभी मेरी क्लास नहीं हो सकती कोई भी, और ऐसा कोई मैसेज नहीं होगा जो रात को लेट आया तो मैं देख नहीं पाया और कुछ दिक्कत आ जाएगी, 7 बजे से 9 बजे तक तो मोस्टली कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 11 से 7 मैं अब सोने का ट्राई कर रहा हूँ, तो कल मैं रात को ढंग से सोया भी नहीं था, इस वजह से वर्कआउट में दिक्कत आई थी, ठीक है, इसलिए सोया कि एक बार स्लीप शेड्यूल ठीक हो जाए। भाई ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर मैं 12 बजे से ऊपर जागता हूँ ना भाई, ओवर थिंकिंग वापस चालू हो जाती है। देखो ओवर थिंकिंग बचपन में तो मेरे को ये होती थी कि भाई सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बंदी क्या सोचेगी, बंदी पर मान के, मतलब वो सब होता था बचपन में, मतलब बचपन मतलब 9th 10th 11th, ठीक है, उससे पहले तो ओवर थिंकिंग नहीं होती थी, उससे पहले तो सही में वाला बचपन चल रहा था, 9th 10th 11th में होती थी। और अब भाई मेरे को ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को लेके होती है यार, कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, सिर्फ उसको लेके होती है। बट वो ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि भाई एक बार तुमने ये सोच लिया और फिर तुमने कुछ काम कर लिया वो सही है, बट तुम बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो फ़ायदा नहीं है, है ना भाई। तो वो वाली बात है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लेट तक आ जाऊँ, फिर स्टार्ट होता है भाई। वाई ओवर थिंक वैन यू कैन ओवर ट्रेन, ये बढ़िया कोट लगा था मेरे को, ठीक है। तो और उसके अलावा भाई मैं भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ को भाई बिल्कुल शॉर्ट कर दो, बढ़िया कर दो यार, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो, खुद से प्यार करना यही होता है भाई। ये नहीं कि तुम कुछ टेस्टी खाए, मैंने खुद को खुश कर दिया, मैं खुद से प्यार करता हूँ, नहीं, ये चूतिया आप नहीं है। मुझे पता है मेरे लिए अच्छा था ये बकवास ना खाना, मेरे लिए अच्छा था ये वाला खाना, मैंने ये खाया और मैंने अपने लिए कुछ सच में अच्छा करा, ये सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव नहीं है, वो तुम भैंचो तो अपने मतलब मन के वो हो गुलाम, और ये तुम मतलब अपने दिमाग से चल रहे हो और अपने लिए अच्छा कर रहे हो, तो फ़र्क आ जाता है। बाकी भाई ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोलते रहा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी भाई, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में, ओके भाई, चलो भाई। शादी में कैमरा कोई खाना खा रहा है, मुझे कैमरा।
खाना खाना चेंज साथ किया था तुमने, फिर वापस खाने लग गया।